स्ट्रेचेस फॉर शोल्डर। फर्स्ट आपको जो स्ट्रेच करना है वन बाय वन आपको दोनों हैंड से करना है, जो हैंड टाइट है साइड लाइन में लेटना है करवट से, और ये एल्बो आपकी 90 डिग्री बेंड रहेगी और ये हैंड आपका पैरेलल रहेगा, ऐसे स्ट्रेट रहेगा 90 डिग्री पे, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए फर्स्ट ये। सेकंड प्रॉपर साइड लाइन में आके इसको नीचे पुश करना है, जहां तक भी होता है इजीली वहां तक आना है, लास्ट में आके इसको 10 सेकंड होल्ड करना है एंड देन रिलीज अगेन, 10 सेकंड होल्ड एंड रिलीज। इसके आपको 5 सेट करने हैं वन बाय वन दोनों हाथों से। इसके बाद सेकंड स्ट्रेच आपको ऐसे ही प्रोन लेट जाना है पेट के बल, और जिस हाथ का स्ट्रेच करना है सपोज इसी हाथ का, ये इसको आप फ्लोर पे भी कर सकते हैं, इसको भी होल्ड करना है 10 सेकंड एंड देन रिलीज। इसको आप सिटिंग में भी कर सकते हैं और फ्लोर पे भी करते हैं सिटिंग में ये। नेक्स्ट स्ट्रेच आपको अगेंस्ट वॉल खड़े होना है, दोनों हाथों को वॉल पे रखना है और ये एंगल रहना चाहिए, इसको नीचे आएंगे और बॉडी को नीचे पुश करना है, नी माइक्रो बेंड रहेंगी और इसमें ये अपर बॉडी को नीचे पुश करना है, हाथ वहीं पे स्टिल रहेंगे, इसमें एल्बो भी माइक्रो बेंड रहेंगे एंड डाउन। एंटीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर पे आपको स्ट्रेच आएगा, जहां स्ट्रेच आ जाए वहां रुक जाना है, मिनिमम 10 सेकंड मैक्सिमम 30 सेकंड आप होल्ड करेंगे एंड देन इसके आपको 3 सेट कर रहे हैं शोल्डर स्ट्रेच, और इसको आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं ऐसे एक हाथ रखना है और डाउन। होल्डिंग टाइम सेम रहेगा। नेक्स्ट जिस हाथ का स्ट्रेच करना है उसको शोल्डर और पाम को आपको वॉल पे लगा के रखना है, पोजीशन ये रहेगी ये, और बॉडी को अपोजिट साइड ट्विस्ट करना है, इसमें आपको इधर स्ट्रेच आएगा एंटीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर एंड पेक्टोरल स्ट्रेच। अगेन होल्ड फॉर 10 टू 30 सेकेंड एंड रिलीज। इसको वन बाय वन दोनों हाथों से करना है 3 सेट। नेक्स्ट जहां आपको स्ट्रेच आ जाए या पेन आता है उसके बियॉन्ड नहीं जाना है, वहीं पर रुक जाना है। नेक्स्ट कोई भी स्टिक लेंगे, इसके बाद इसको इस पोजीशन में पकड़ना है ये, और धीरे धीरे एक्सटर्नल रोटेट करना है जितना आपको कंफर्टेबल लगे एंड रिलीज। इससे आपका एक्सटर्नल रोटेशन जो रिस्ट्रिक्शन है वो ओपन होगा, पकड़ना है एंड देन इसको भी पोजीशन में जाके 10 टू 30 सेकंड होल्ड करना है एंड रिलैक्स। इसके बाद 90 डिग्री पे खड़े होंगे, इसको किसी वॉल के अगेंस्ट खड़े होके साइड में वॉल हो हाथ रखना है और एल्बो पे रहेगी, बॉडी को अपोजिट साइड ट्विस्ट करना है, दिस इज ऑल्सो फॉर शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन एंड देन रिलीज। ये कुछ शोल्डर स्ट्रेचेज हैं जो आपको करने हैं। इसके बाद शोल्डर आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक के लिए आपको क्या करना है, अगेंस्ट वॉल खड़े होने हैं, ये आपको पीछे यहां से एल्बो के थोड़ा सा ऊपर पीछे पुश करना है, दीवार को धक्का देना है और होल्ड करना है फॉर 10 सेकंड एंड रिलीज। ये फोर्स यहां से आना चाहिए, कंधे से कुछ नहीं दबाना, कोई फोर्स नहीं लगाना है, ये बैक, दिस इज शोल्डर आइसोमेट्रिक एंड रिलीज। 10 सेकंड होल्ड 10 सेट। इसके बाद साइड में करेंगे तो यहां पे कोई पिलो या फिर कोई टॉवल लगा लें ताकि वॉल आपको चुभे ना। अगेन इसमें भी हमें स्पार्ट से यहां से एक्सटर्नल पुश करना है, बाहर की से धक्का देना है।
बॉडी स्टिल रहेगी, सिर्फ हाथ से पुश करना है, हाथ का कोई मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा, पुश एंड रिलीज। इसको भी 10 सेकेंड 10 सेट। इसके बाद फ्रंट से नेका फिस्ट, फिर से आगे की साइड धक्का देना है हाथ से, बॉडी फोर्स बिल्कुल नहीं लगेगा एंड रिलीज। 10 सेकेंड होल्ड 10 सेट। इसके बाद नेक्स्ट यहां हाथ लगा लेंगे, अभी इसको अंदर पुश करना है, इस हाथ से रजिस्ट करना है, इससे पुश करना है एंड रिलीज ऐसे आउटवर्ड। इसको हाथ को इधर प्लेस करेंगे और इधर धक्का देंगे, प्रेस एंड रिलीज। 10 सेकेंड होल्ड 10 सेट। जितने भी एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई है 10 सेकेंड होल्ड 10 सेट। अगर थायरामेंट से कर रहे हैं तो कोई भी लाइट थायरामेंट लीजिए। इसके बाद थायरामेंट से सिर्फ ये एक्सरसाइज आपको ऐड करनी है, एल्बो माइक्रो बैंड रहेंगी, हैंड शोल्डर लेवल पे रहेंगे, नीचे नहीं होना चाहिए, ज्यादा ऊपर नहीं, और इसको ओपन करना है, ओपन एंड क्लोज, बहुत ही स्लो आएंगे, ये अगेन ओपन एंड क्लोज। इसमें भी एल्बो माइक्रो बैंड रहेंगे, ये 10-10 के 3 सेट करने।